जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए दिन का आगाज़ अल्लाह पे यकीन के साथ। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरेगा, हैरो ऑफिस से गुजरेगा। हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा और हैरो ऑफिस से गुजरेगा। लेकिन आज का व्लॉग बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज है 12 रबी अव्वल और इसी सिलसिले में हर साल जो है हम कोई ना कोई इंतज़ाम करते हैं छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए दिन का आगाज़ अल्लाह पे यकीन के साथ। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरेगा, हैरो ऑफिस से गुजरेगा। हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा और हैरो ऑफिस से गुजरेगा। लेकिन आज का व्लॉग बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज है 12 रबी अव्वल और इसी सिलसिले में हर साल जो है हम कोई ना कोई इंतज़ाम करते हैं छोटा सा। हर साल जो है हमारा मेन्यू होता है भटूरे, और तो इस दफ़ा हमने ज़रा चेंज कर दिया है। इस दफ़ा हमने कर दिया चिकन पकौड़ा। वाह यार, चिकन पकौड़ा क्या बात है। मैं चिकन समोसा समझा लेकिन उधर तो चिकन पकौड़ा हुआ है। भाई ने जरा मेन्यू चेंज कर दिया है, जरा आवाज़ का अगर मसला हो रहा है तो उसके लिए बड़ी माजरत है आपके साथ। नहीं जी, आज मैंने खुद को खाना नहीं है, तो आज जो है मैं दोस्तों को खिलाऊंगा। जो मेहमान आएंगे उनको खिलाएंगे, लज के खिलाएंगे। तब तब खाओ जी, कोई बात नहीं है। तो इधर आया मेरे भाई अब्दुल्ला आया हुआ है, बाकी दोस्त अभी पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इंतज़ाम कर रहे हैं खाने पीने के सिस्टम के हिसाब से। वो खा रहे हैं, कुछ सिटिंग का करने लगे हुए हैं, कुछ जो है वो माइक वगैरह चेक कर रहे हैं क्योंकि तलावत करनी है, नाच पढ़नी है, बकाया फिर यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया भाई यहाँ पे। अभी आपको मैं जाके दिखाता हूँ जो हमारा मेन्यू में चिकन पकौड़ा है, और उसके मसाला जल भी बता देता हूँ आपके सारे, यानी कि जो मसाला जल भाई ने लगाए उससे भी थोड़ी बात कर लेंगे। अगर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, हम खुद ही बता देंगे आपको बना के। तो आए फिर चलते हैं। चिकन लेके आए थे उसको स्पेशल किस्म का उन्होंने मसाला लगाया हुआ है। आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो है ना जिन्होंने जो कुक आया हुआ है वो स्पेशल है, यानी कि वो तकरीबन 15-20 साल से जो है ना वो कुकिंग करने लगे हुए हैं। आप इसमें देख लें, जरा मिर्च शामिल है, हल्दी शामिल है, और भी 2-3 इन्ग्रीडियंट हैं वो शामिल किए गए हैं। और एक बात का मैंने उनसे कहा कि ख्याल रखिएगा कि मसाले हैवी ना कर दें ताकि खाने पीने वाले जो होना खाने वाले लोगों को मसला ना हो। तो आप ये देख रहे हैं अभी जो है कुकिंग शुरू हो गई हुई है, एक साइड पे कुकिंग हो रही है, एक साइड पे कुकिंग होने लगी हुई है। और ये देखें, ये देखें, ये घी, ये देखें, ये देखें, हाँ, ओहो कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ये यहाँ पे भाई हैं, ये भाई हैं जो कुकिंग करने लगे हुए हैं, यहाँ से कुकिंग कर रहे हैं और साथ में हमने वो बड़े बर्तन रख दिए हैं, पक जाते हैं उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ज़रा थोड़ी देर तक जो है जो है इधर का निज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और अल्लाह पाक जो है हमारे हर इस काम में बरकत डाले, और जो बंदे नहीं कर सके अल्लाह पाक उनको हिम्मत और ताकत दे वो भी कर सके। ठीक है जी, ओके ओके।
नहीं जी, आगाज़ हो गया, मैं थोड़ा लेट होगा क्योंकि मैं नमाज के लिए गया हुआ था और यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ये देखें, आगाज़ हो चुका है जी, ये सर्व किया जा रहा है सबको। और इधर वाला हिस्सा ये देखें, यहाँ से जा रहा है रेडी होके, और वहाँ पे जो है लेडीज़ वगैरह का सारा पोर्शन है, यहाँ पे लेडीज़ बैठ रही है और वहाँ पे जेंट्स का अलग सा सिस्टम दिया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा काम हो गया है जो हमारा थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था काम 12 रबी लेवल के बारे में, वो ख़त्म हो गया। ये है गौर भाई, है गौर भाई ने बड़ी हेल्प की है जी, तकरीबन सारा काम इन्होंने देखा क्योंकि मैं तो ब्लॉग बना रहा था। गौर भाई ने किया, अब्दुल्ला ने किया, वकास ने किया और शिराज ने किया, थम्स अप उनके लिए यार। और अहमद ने भी बड़ा काम किया है यार, तो सारों के लिए थम्स अप है। और वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई के लिए दुआ कर दीजिए कि शादी हो जाए। आमीन।